पली ज्यादा रोमियो, ये कमजर्फ कहां से टपक पड़े? यहूदिया के सरहदी गार्ड के हुक्म पर बग्गी रोको। रुक 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 जानवर रुक। अंदर ही अंदर क्या बुदबुदा रहे थे खबीस कहीं के? कुछ भी नहीं सरकार, मैं तो बस अपने आप से कह रहा था कि आप मेरे मरहूम पड़ोसी से कितनी मुशाबिहत रखते हैं। सबकी तलाशी लो, इन्हें नीचे उतारो। जी हुजूर। ए तुम नीचे आओ, तुम बोलो मत, बिल्कुल खामोश। हाँ कहाँ से आ रहे हो? सूर की बंदरगाह। तुम्हारी शक्ल और लहजा तो अहले सूर से नहीं मिलता। मान लीजिए इस्कंदरिया से कश्ती में सवार हुआ और सूर की बंदरगाह आ गया। मिस्र के शहर इस्कंदरिया से? अपने साथ क्या लाए हो? फलसफे की किताबें। अजनबी आदमी हो, फिर यरूशलम क्यों जा रहे हो? हाँ तिजारत के लिए। तिजारत यरूशलम में? लेकिन बेहतर है तुम जान लो, वहाँ सिवाय दर्द सर और खुराफात के कोई दूसरा तजारती सामान हाथ नहीं लगेगा। नादान ताजिर। ठीक है तुम जा सकते हो, जाओ जाओ सवार हो जाओ। सिपाही अब बाद वाले को। ए तुम्हारी बारी है, नीचे उतरो। कहाँ से आ रहे हो? तारसूस से। मजहबी हो, काहिन हो, तुम्हारा चेहरा तो रहजनों से मिल रहा है। तुम इस तरह बने हो ताकि कोई तुम्हारी हकीकत को ना समझ सके, है ना? कहीं तुम सुलेमान की इबादतगाह की काहिन तो नहीं? सच सच बता, तेरी खोपड़ी में क्या सौदा समाया है? ख्याल? कौन सा ख्याल है? तुम सुलेमान की इबादतगाह के पादरी बड़े पुर असरार हो, तुम्हारे लिबास से धोखा नहीं खाना चाहिए। तुम्हारी शक्ल सूरत बता रही है तुम रहजन हो। तुमने कहाँ का बताया? तारसूस। तारसूस? अगर एक सरहदी गार्ड तुम्हारे जैसे बहरूपियों को भी उनके चेहरे से ना पहचान सके तो उसको मिट्टी के नीचे दफन हो जाना चाहिए। जाओ बैठ जाओ। इसके बाद वाला। तुम नीचे आओ, जल्दी करो भाई। रुको जरा देखूं तो ये क्या है, अपने साथ क्या लाए हो? हैं कोई चीज नहीं है। ये मुझे दे दो, मुझे दे दो सरकार। इस बदमाश के पास एक खंजर है, ये देखिए सरकार। अच्छा तो खंजर है तुम्हारे पास, क्या करते हो? मैं शिकारी हूं। ये तो जाहिर है, मगर शिकार किसका करते हो? सुअर का या किसी रोमी सिपाही का? मेरी नजर में तो दोनों एक ही हैं। खबीस। बेहतर है कि यह काम दोबारा ना करना हवलदार। जरा इधर तो आओ देखूं तो। छोड़ दो उसे। क्या कहा तुमने? तुमने सुना तो क्या कहा, जाने दो उसे। लगता है कि एक पागल कहीं को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्यों? देखना यह होगा कि वो पागल कहीं कौन है, एक मकामी देहाती या एक सल्तनत का शहरी। बकवास कर रहे हो, तुम्हारे हुलिये से नहीं लगता कि एक गंदे फरीसी से ज्यादा कुछ होगे? तुम्हें देखने से भी नहीं लगता कि पूरे अंताकिया के परागरातूर के सामने सांस लेने की भी जुर्रत करो। तुम्हारी मसलहत इसी में है कि इस बहस को यहीं पर खत्म कर दो। ये अंताकिया नहीं है, ये यहूदिया है। लेकिन तुम्हारे वली नेमत जनरल पेलातस
कानूनी तौर से पूरी सल्तनत दमिश्क के कवानीन के मुकम्मल ताबे हैं, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो सिपाही। मैं दर्द-ए-सर मोल नहीं लेना चाहता, तुम इसे साथ ले जा सकते हो। जाओ, इसके बाद से तुम अपने तमाम शिकारी दोस्तों से कह देना कि यहूदिया का अपना निजाम और कानून है, समझे लड़के? बहरहाल यहूदिया की हदूद में खंजर रखना ममनू है। एक खंजर से मसल्ला इब्रानी यानी एक जेलूत, अगरचे तुम्हारा हुलिया जेलूत के चाकूबाजों से नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारी जबान दराजी उनसे मिलती है। खुशनसीब हो कि तुम्हारी जमानत उन जनाब ने ले ली, वरना चले जाते अल्तुनिया की अंधेरी और खौफनाक कोठरी में। खातून, तुमसे मुखातिब हूं, जरा अपना चेहरा खोलो, जरा देखूं तो। कहां जा रही हो? मुजदल। मुजदल? लेकिन ये रास्ता तो यरूशलम को जा रहा है, सही सही बताओ कहाँ का इरादा है? जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें इन लोगों से कोई डर भी नहीं लग रहा है। तुम्हारा शौहर कहाँ है, सुना नहीं? तुम्हारा शौहर कहाँ है? मेरा शौहर नहीं है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत का कैसे मुमकिन है कि कोई शौहर ना हो? अपने हमसफरों से होशियार रहना। तुम भी अच्छा होगा कि अपनी हिफाजत करना, ताकि तुम्हारे हालात इससे बदतर ना हो जाएं। अब तूने भी मेरे सामने जबान दराजी करनी शुरू कर दी। सुनो, कभी कर्नल कर्नेलियस का नाम तुम्हारे कानों से टकराया है? जलील के सरहदी मुहाफिजों के कमांडर तो महीनों से इस औरत का आशिक है। अगर उसे पता चल जाए कि किसी ने उस पर टेढ़ी निगाह भी डाली है, तो उसका जीना दुभर कर देगा। लगता है आज का दिन तुम्हारे किसी काम का नहीं हवलदार। मुमकिन है सच बोल रहा हो जनाब, इसे जाने दो। इसके हुलिये को देखो, इस औरत की आंखों को देखो, इनसे गुरूर की बारिश हो रही है। इसका हुलिया आम औरतों से मिल नहीं खाता, किसी बहासब व नसब खानदान से लगती है। और फिर अगर कर्नल कर्नेलियस वाकई इसका आशिक हुआ और इस कोचवान ने सच कहा हो, तो कर्नल कर्नेलियस हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुमने कहा कर्नेलियस? हाँ, मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो। ठीक है, छोड़ दो, जाने दो। अगर मुहाफिजों के कमांडरों का मसला दरमियान में ना होता, तो अपने खुदाओं की कसम इतनी सहूलियत और आसानी से ये मेरे हाथ से निकल नहीं सकते थे। मैं जानता हूँ। तुम जा सकते हो, चले जाओ। चल जानवर, रास्ता पकड़, चल। क्या बात है जवान बागी, बुरी तरह से मुझे घूर रहे हो? नहीं मालूम, मैं एक रूमी दरबारी से ज्यादा नफरत करूं या एक इब्रानी से जो एक रूमी के भेष में होने पर फख्र महसूस करता है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। क्या है, शायद तुम जनरल पेलातस के किले की जेल में जाने को तरजीह देते हो? तुम वाकई जैलूत के बागियों में से तो नहीं हो, या हो? बिल्कुल नहीं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम रूमियों को कत्ल क्यों करना चाह रहे हो। क्यों ना कत्ल करें, उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जो दाऊद और सुलेमान की पाकीज़ा सरजमीन है। मगर ये बातें तुम जैसे ताजिर के लिए बेमानी हैं। क्यों ऐसा नहीं है? तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा मुनज्जम फौज मौजूद है कि जो जहन्नुम में जाए, हम उनका मुकाबला कर सके या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो ये बात अहम है कि हम अपनी मौत के जरिए उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दें। बगावत की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करके क्या होगा? ऐसा करके बनी इसराइल के आखिरी निजात दहिंदे की आमद के लिए राह हमवार करेंगे। बनी इसराइल का निजात दहिंदा?
तुम तो एक पादरी हो, तो क्या तुम किसी मौजजे के इंतजार में नहीं हो? हूं तो, मगर अहम यह है कि मौजजा दिखाने वाला कौन है? एक पैगंबर, बनी इसराइल का पैगंबर, वो जो रूमियों को यहां से निकाल बाहर कर सके। जूलियस सीजर के जरिए इस सरजमीं को रूम के कब्जे में गए 60-70 बरस हो चुके हैं। उस दिन से आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि फिलिस्तीन में किसी मफाद परस्त या मुकद्दस नुमा धोखेबाज ने अपने साथ कुछ लोगों को जमा करके कैसरे रूम की फौजों के सामने कुर्बानी के लिए पेश ना किया हो। सबका ही दावा था कि हम खुदा की जानिब से निजात दहंदा हैं, वही निजात दहंदा जिसका वादा किया गया था। इन जाली निजात दहंदों से मेरी जान जल जाती है। तुम काफिर हो? काफिर? काफिर होने के लिए देखना यह पड़ेगा कि किसका काफिर हो। एक जाली निजात दहंदे का, जिसकी सबसे ऊंची उड़ान यरूशलम की फतेह और एक देहाती सल्तनत का कयाम है। हां, मैं इस तरह के निजात दहंदों का काफिर और मुनकिर हूं। तो तुम्हारे एतवार से एक निजात दहंदा का मकसद क्या होना चाहिए? रूमियों को यहां से निकाल बाहर करे, फतेह रूम, और फिर रूम के जरिए सारे आलम की फतेह। दरिया हमसे नाराज, ये बात तो तुम 100 बार कह चुके हो। फिर कह रहा हूं, हम बेवजह जोर लगाए पड़े हैं भाई। फिलहाल जो है वो यही है, और अब भी यही कहूंगा। जाल फेंको, बेकार है भाई। ये बात जुबदी से कहो। किस बात की परेशानी है तुम्हें? यहां किस लिए खड़े हो? इनको उठाकर ले क्यों नहीं जाते? ले जाओ इसे यहां से, जल्दी काम करो। अब्बाजान आज क्यों लड़बिड़ रहे हैं? ये सवाल उससे क्यों पूछ रहे हो? अपने अड़ियल अब्बाजान से पूछो, जो कुछ समझने को तैयार नहीं उस बूढ़े काट हुज्जत से। हाय हाय, इस महीने के शिकार के पैसों से मजदूरों की मजदूरी भी नहीं दी जा सकती। हरामखोर रूमियों का टैक्स तो बहुत दूर की बात है। दादा जान, आपकी मछलियाँ कम क्यों हैं? इसलिए कि दरिया हिना के दादा जान से नाराज है, समझे बेटा? इजाजत हो तो दरिया से आपकी दोस्ती करवा दें। का एक फरिश्ता आ रहा है जो आपकी दरिया से दोस्ती करा देगा। तुमसे मैं 100 बार कह चुका हूँ ना कि इन मच्छेरों के किस्से मत सुना करो। फरिश्ते फरिश्ते, दरिया की परी, लोग पैगंबरों तक को मानने के लिए तैयार नहीं है। फरिश्तों की तो बात ही बहुत दूर की है। हाँ।
इस बार भी कुछ नहीं। सुबह से अब तक ये थोड़ी सी मछलियां हाथ लगी हैं। इस दरिया पर शायद लानत भेजती गई। दुआ करो। क्या दुआ करूं? हमारा शिकार तो इससे ज्यादा हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूं दुआ करो। शमून, जबदी ने हमसे सिर्फ मछलियां मांगी हैं। अगर मछली नहीं होगी तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी। अगर मछली ना होगी तो रूमी बूढ़े आदमी से टैक्स के बदले जाल के साथ किश्ती तक छीन लेंगे, समझे? क्या जाल फेंकने वाला आ गया। वही हुआ जो चाहता था। पहचानते हो इसे? वो फरजंदे मरियम है। इबादत गाह में उन्हें देखा है। वही है, बिल्कुल हूबहू तुम्हारे साबिक उस्ताद याहिया के खालाजाद भाई तो हैं। सलाम हो आप पर। जाओ वापस काम पर जाओ। कई बार से तुम सब के सब खाली हाथ वापस लौट रहे हो। तुम्हें भी अगर मछलियां चाहिए तो यहां मिल जाएंगी तुम्हें। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मछेरों की बदबख्ती का तमाशा देखने के लिए यहां पर आए हो? हमारी हालत तुमसे छुपी हुई तो नहीं है? जुबदी, वो ईसा है, मरियम के बेटे। हमारे पास यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसे आपकी शिफा की जरूरत हो। यहाँ कुछ भी नहीं है उस्ताद। ये आप अगर मछलियां चाहिए तो जाओ शिकार करो। मैं मछली का शिकार करने नहीं आया हूं। ऐ मेरे आका, बारगाहे खुदा बंदी में एक दुआ फरमा दें, शायद हम बदनसीबों के शिकार में कुछ रौनक आ जाए। जुबदी की बातों का भी बुरा ना मानिएगा, बड़ा आशुफ्ता दिमाग है। मुझे होना भी चाहिए। छोड़िए आका, हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं। दुआ फरमाए। मेहनत करके खाता हूं मैं, खाली दुआओं पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल तो मैंने इस शहर में बदबख्ती के सिवा कुछ देखा ही नहीं। कुछ कीजिए, मछली का शिकार करने चले। दरिया ने हम सबसे मुंह मोड़ लिया है, हमें जवाब दे दिया उसने। तुमसे भी बता रहा हूं मैं, तुम्हारा जाना भी बेफायदा ही होगा। दरिया की तरफ चलते हैं। परवरदिगार,
इस हकीर बंदे की दुआ को सुन ले और अपने कर्म के शाया निशान हमको शिकार अता कर दे। मच्छरों से भरा हुआ है। खुदाया तेरा शुक्र, शुक्र गुजार है। ईसा ने हमारे बच्चों को भी शिकार कर लिया और हमारे मजदूरों को भी। क्या हाल है जबदी? मेरे ख्याल से कल से मैं अकेला ही रह जाऊंगा। उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। बाबा हमारे लिए दुआ कीजिए। बूढ़े जुब्दी को भूल न जाना। और इस तरह शमून सफा, जिनका लकब पित्रोस था, और उनका भाई आंद्राउस, जब्दी के दो बेटों योहन्ना और याकूब और अपने हवारियों के हमरा फरजंदे मरियम मुकद्दस से जा मिले। इस रसीद पर भी एक नजर डाल लो। पहले उसकी तहकीक कर चुका हूं यहूदा। पता है क्या तलाश कर रहे हो? वो कौन है? हमारे सरपरस्त बसालिका नहीं है, ये वही औरत है जिसे तुमने देखा है। बकवास मत करो, मैंने पूछा कौन है, इसे जानते हो या नहीं? कौन है जो इसे नहीं जानता? इसका नाम मरियम है। यहाँ की नहीं है, शिमाल की रहने वाली है, शहर जलील की तरफ की, हेरोदस के इलाके की। हसब नसब के एतबार से खानदानी और दौलतमंद औरत। हाँ, उसे देख चुका हूँ, रास्ते में साथ थे। लेकिन वो रूमी कौन है, उसे पहचानते हो? हाँ, मुहाफिजों का एक अफसर है, अभी हाल ही में उसकी ड्यूटी पूरी हुई है। उसे अंताकिया वापस जाना है, लेकिन इस औरत के इश्क ने उसका बुरा हाल कर दिया है। वैसे इसके उस जैसे दीवाने बहुत हैं, पता नहीं इन्हें क्यों परेशान कर रही है। कहते हैं इस पर जिन आते हैं। जिन आते हैं? हाँ, जिन आते हैं। और मैं इस लकब में एक लफ्ज और बढ़ा देता हूँ, जिन ज़दा हसीना। तुम भी जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हो, शायद उसके दीवानों में एक और सिर फिरे फलसफी का इजाफा हो जाए। तुम बकवास बंद करोगे? यहूदा, कब तक यहाँ पड़े रहोगे? जब तक मेरा हिसाब किताब खत्म ना हो जाए। मुझे यरूशलम से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले हफ्ते मैं इस्कंदरिया वापस चला जाऊँगा। तो इस एक हफ्ते में तुम उससे ज़रूर मिलोगे। उस औरत से? उससे नहीं, एक और से, एक झोला छाप वाइज। उसे ईसा नासरी कहते हैं,
अगर उसे देख लिया ना तो इससे भी ज्यादा अशुभता हाल हो जाओ। क्यों, वो कैसा आदमी है? गुस्ले तामी देने वाले याया की तरह का। वही याया जिनको पिछले साल हेरोदस से भिड़ने की वजह से दमिश्क ले जाकर उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया? हाँ वही। तो ये भी पैगंबर हैं क्या? शायद। मैं ये जानना चाहता हूँ इसके सिलसिले में लोगों की बातें मुख्तलिफ हैं। कुछ तो कहते हैं कि पैगंबर हैं और कुछ कहते हैं जादूगर हैं और माबत के रखवाले कहते हैं कि मजनू हैं, अवाम को फरेब देने वाला मजनू। अवाम, फरेबी और जुनून एक साथ जमा नहीं हो सकते। वो कौन है? वही है, वही जिसका चर्चा है। मेरा ख्याल है अपने किसी मामूल के दौरे के बाद जलील की जानिब वापस जा रहा है। वो जब भी यरूशलम आता है एक फितना खड़ा हो जाता है। वाकई पता ही नहीं पड़ता कि कौन है, एक वाइज है या एक बागी। क्या तुम उसे यहाँ देखने के लिए ही आए हो? यकीन करो तुम्हारा ईमान बहुत खतरे में है। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईसा नासरी यहिया के पैरोकारों में से हैं? नहीं, यहिया ने इसकी बशारत दी थी और कहा था जो शख्स आएगा मुझसे भी अजीम होगा, वो अब तुम्हारे दरमियान में है। लेकिन फिर इसका जाहिर ऐसा क्यों है? उस्ताद, मेरी बहन का कोई इलाज नहीं है। वह बहरी और गूंगी है, जब से पैदा हुई है किसी से बात भी नहीं की। आपको आपकी पाकीज़ा माँ का वास्ता, उसकी मदद करके मुझ पर एहसान करें। ऐ खुदा मेहरबान, मेरी दुआ सुन ले और इस लड़की को शिफा इनायत फरमा दे, आमीन। रफाका सुनने लगी। खुदा तेरा शुक्र, प्यारी रफाका, प्यारी रफाका, कुछ बोलो, बोलो, बोलो। ईसा, हे ईसा, मेरे ईसा। ये ईसा है, मरियम के बेटे, जिन्होंने तुझे शिफा अता की। लोगों देख रहे हो, मेरी बहन बोल रही है, बोल रही है मेरी बहन। ईसा, मेरे ईसा। हाँ ईसा, हाँ ईसा, ईसा ने तुझे शिफा दी। देखो लोगों, मेरी बहन बात कर रही है, मेरी बहन बोल रही है। मजदली। ए आका, मुझे बताइए, आपकी इनायतें हासिल करने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा या कोड़ी? जरूरी नहीं है, अपनी हाजत बयान करो। लोग कहते हैं मेरे ऊपर जिन का साया है, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है मुझे सुकून और चैन नहीं। शयातीन ने मेरे नफ्स में घर बना लिया है। चूंकि कोई भी चीज मेरी परेशान रूह को सुकून अता नहीं कर सकी, लोग कहते हैं मैं बेखुद हो गई हूँ, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है यहां से वहां भागी फिर रही हूँ। मैं ऐसे क्यों हो गई हूं? क्यों? मेरे ऊपर जिनों का साया है, कई बरस हो गए।
अपने घर बार से जुदा हो गई। बहुत रातें मैंने वीरानों में गुजार दी। पूछिन मुझे सताते हैं, आराम से रहने नहीं देते। मुझे चैन नहीं लेने देते, परेशान करते हैं, परेशान करते हैं, परेशान करते हैं। पागल मरियम मुजतली, अगर वो मुजतली के पागलपन का इलाज कर देता है तो कहना पड़ेगा कि इस शहर में एक बड़ा मौजजा हुआ है। युवा जिनका बदन कब्र में कांप रहा है, खुदा उसके बाप पर रहम करे, एक बाअमल वाइस था। खुदा वंदे आलम ने तुम्हें शरपसंदों के शर से निजात अता कर दी, जाओ मुतमईन रहो। मेरे आका, मुझे पनाह दे दीजिए आका। तुम्हारे आंसुओं ने मुझे सारी बातें खुद बता दी हैं। इसी वक्त से तुम हमारे साथ रह सकती हो। ए ईसा, आप हमारे ऊपर एहसान फरमाएं और बताएं कि आप कौन हैं, ताकि हम बड़े बुजुर्गों तक यह खबर पहुंचा सकें। आप इलिया हैं या अरमिया या पैगंबराने सलफ में से कोई दूसरे? बताइए, बताइए, ताकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें बताया जा सके। मैं वो आवाज हूं जो तमाम यहूदियों के लिए फरियाद कर रहा हूं कि अल्लाह के फरिश्तादा के वास्ते ऐसे रास्ता हमवार करो जैसे अशियाए नबी में मिलता है। अगर आप ईलिया और अरिमिया नहीं हैं, तो फिर अपने आप को दूसरे मसीहाओं से बड़ा कैसे जाहिर करते हैं? साफ साफ बताइए, आप कौन हैं? ये मौजजात वगैरह क्या हैं? मौजजात जो खुदा वंदे आलम मेरे जरिए से अंजाम दे रहा है, इस बात का इशारा है कि मैं खुदा की मर्जी से ही कलाम करता हूं। मैं उसके बराबर नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो मुझसे पहले पैदा हो चुका है और मेरे बाद बहुत जल्द आएगा। वो खुदा का पैगाम लेकर आएगा और उसकी शरीयत हमेशा के लिए होगी। फरीसियों को मेरी बर्बादी की फिक्र है। उस्ताद, आज के बाद आप यरूशलेम में सुलेमान के माबद ना जाएं। मुझे बहुत से रंज उठाने पड़ेंगे, उसी तरह जिस तरह अल्लाह के तमाम पैगंबरों ने उठाए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ हमारे खिलाफ।